हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ अजाज के बारे में। अजाज एक सेफ्टी डिवाइस है, एक सेफ्टी सॉल्यूशन है आपके व्हीकल्स के लिए, टू व्हीलर्स, फोर व्हीलर्स, ट्रक्स, टेम्पोज, एवरीथिंग। ये अजाज का इंटरफेस है। मैं अजाज के डिवाइसेस लास्ट 2 सालों से यूज़ कर रहा हूँ। ये एक 2 साल यूज़ करने के बाद का रिव्यू है। इसमें एंटी थेफ्ट का ऑप्शन है, ट्रैकिंग का ऑप्शन है, फ्यूल कंजम्पशन चेक करने का ऑप्शन है, और ऐसे आप देख सकते हो बहुत ऑप्शंस अवेलेबल है आपके लिए। तो आप इसमें से आपको जो चाहिए वो चूज़ कर सकते हो। देर आर 2 ऑप्शंस टू बाई दिस डिवाइस। One is optimizer, that is 3799, and one is maximizer, that is 5599. So ऐसे 2 ऑप्शन आपको मिलेंगे, और दोनों में थोड़ा फीचर्स का डिफरेंस है। मैक्सिमाइजर में थोड़े ज़्यादा फीचर्स है, ऑप्टिमाइजर में थोड़े कम फीचर्स है। मैं ये 2 साल से यूज़ कर रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा है। ऐसा 1-2 बार हुआ है मेरे साथ कि किसने धक्का मारा है गाड़ी को, गाड़ी गिरी है, और मुझे वो अलर्ट आया था कि गाड़ी गिरा है। मैंने जाके तुरंत चेक किया तो मुझे पता चला कि वो सच्ची में गिरा हुआ है, और किसने गिराया वो भी समझा था। सो बेसिकली अगर ये डिवाइस नहीं होता मेरे पास वो वक्त पे, तो मैं समझ ही नहीं पाता कि ये कब हुआ था, कैसे हुआ था, किसने गिराया था। सो दिस इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू टू नो इफ़ समवन्स टचिंग योर व्हीकल, इफ़ समवन्स मूविंग योर व्हीकल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जब भी मेरा बाइक मेरे किसी दोस्त को देता हूँ तो मेरा ट्रैक रहता है उस पर कि वो कितने स्पीड पे चला रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, तो वो मुझे सब कुछ समझ में आता है। तो मेरे को फिर टेंशन नहीं रहता है कि गाड़ी कहाँ है, बराबर से खड़ा है, नहीं है, वो किधर पहुँचा है, आ रहा है, नहीं आ रहा है, वो सब कुछ समझ में आ जाता है। सो इट इज़ वेरी हेल्पफुल टू ट्रैक ऑल दीज थिंग्स ऑल्सो। ये इग्निशन ऑन कभी किया था, कितने बजे किया था, कितनी बार किया था वो दिखाता है, वाइब्रेशंस कितने बार सेंस हुआ था वो दिखाता है, इग्निशन ऑफ कभी हुआ था वो दिखाता है। अगर आपका व्हीकल नेटवर्क में नहीं रहेगा तो उसका वो रीचेबल है कि नहीं वो बताता है। सो ये पावर सप्लाई ऑन एंड ऑफ बैटरी का है, जब भी वो बैटरी से डिसकनेक्टेड होता है तभी वो पावर सप्लाई ऑफ बताता है, और जब भी वो बैटरी को कनेक्टेड रहता है तभी पावर सप्लाई ऑन बताता है। तो अगर मैं अभी मेरी गाड़ी यहाँ से ऐसे हिलाऊँ तो फिर वो वाइब्रेशन सेंस बताएगा, और अगर मैं उसको हैंडल लॉक ओपन करके यहाँ से वहाँ मूव करूँ तो वो मोशन सेंस बताएगा। सो इसमें पूरा डिस्टेंस बताता है, वो कितना डिस्टेंस है, कितना डिस्टेंस कवर किया है, राइड ड्यूरेशन बताता है, कितना घंटा चला है। सो ये बेसिकली अप्रैल का है, 193 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस कवर्ड, राइड ड्यूरेशन 4 hours 38 minutes, एवरेज स्पीड 41, टॉप स्पीड 126, फ्यूल स्पेंडिंग और फ्यूल कॉस्ट तभी बताएगा तभी आप जब ये एंटर करते हो कि कितना फ्यूल भरा है आपने। मैक्सिमम लीन एंगल 37 डिग्रीज, ये अभी आज का डेली राइड भी बताएगा आपको ट्रैक करके कि कितना चला है और कितना नहीं। ये आपका करंट लोकेशन बताएगा कि आप कहाँ पर हो। आज का ये आज के दिन का 14 minutes 46 seconds गाड़ी चालू था, मैंने 3 किलोमीटर्स कवर किया है, और एवरेज स्पीड 12 का था और टॉप स्पीड 47 का था। सो यहाँ पे अभी वो थोड़ी देर के बाद 7 अप्रैल आएगा और आज का पूरा ऐसा मैप आएगा और टॉप स्पीड आएगा, ये उस दिन के राइड का है। इट इज 7th of April, 6:53 PM एंड आई एम हेडिंग बैक होम। द कर्फ्यू स्टार्ट्स एट 8, और थोड़ा नया लॉकडाउन का रूल इम्पोज हुआ है जिसमें इफ देर आर मोर देन 5 पेशेंट्स द सोसाइटी वुड गेट सील्ड। सो बेसिकली अजाज का ऐसा है कि एक है जो बाइंग अमाउंट है और दूसरा है जो सब्सक्रिप्शन अमाउंट है। सो फर्स्ट ईयर आपको बाइंग अमाउंट में सब्सक्रिप्शन एडिड रहता है, और सेकेंड ईयर में सब्सक्रिप्शन का अलग लगता है।
लॉकडाउन का थोड़ा स्ट्रेस है अब, जब तक कर्फ्यू था तब तक ठीक था, पर पूरा लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा सबको। दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, बाय बाय।